आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ. आई नो इट, मेरी एग्जाम्स वर गोइंग ऑन, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया. वेरी वेरी सॉरी गाइज. तो आज मैं लकीली कर रहा हूँ ये वीडियो शूट, और आज का हम लोगों का मेन टॉपिक है क्विलिंग ईयर रिंग्स. क्विलिंग पेपर आई शो यू, ये आप देखो, ये है क्विलिंग पेपर. एक मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ये क्विलिंग स्ट्रिप्स है. क्विलिंग पेपर पे तो क्विलिंग स्ट्रिप्स ही होता है, यू कैन सी इट गाइस. तो ये जो मेरे पास है ये है 7 mm, ऐसे करके 3 mm मिलता है, 5 mm मिलता है, ठीक है. अब आपका आपको जैसे लगेगा, तो पूरा 100 pieces रहता है एक पैकेट में. मतलब ये मैंने 20 rupees में ख़रीदा है. 100 pieces रहता है एक में, 10 colors, ईच कलर का 10 pieces ईच, तो 10 × 10 हो गया 100, तो 100 pieces रहता है. और ये पूरा मैंने लिया है 20 rupees में. तो इन लोगों को बोलते हैं क्विलिंग पेपर, या फिर क्विलिंग स्ट्रिप्स बोल सकते हो आप. और ये यूज़ करके हम लोग कुछ ईजी स्टेप्स फॉलो करके हम लोग क्विलिंग का इयर रिंग्स बनाएंगे. मैं पूरा एक सिंपल डिज़ाइन बनाने वाला हूँ इयर रिंग्स का. तो चलिए शुरू करते हैं. मटेरियल्स नीडेड ये रहा. सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को दो ग्लूज दिखाए थे. आई विल शो यू, एक ये वाला और एक ये वाला. तो फर्स्ट ये दिखाते हैं. ये तो सबको पता है फेविकॉल का जनरल पर्पस वाला ग्लू है. ये जब सूख जाता है मटेरियल को, मतलब जिसमें हम लोग लगा रहे हैं उसको तो हार्ड बना देता है, पर उसका सूखने के बाद ना कुछ लाइक स्लाइम रबर, बहुत ही गंदा एक सब्सटेंस फिर फॉर्म हो जाता है. तो वो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. तो क्विलिंग ईयर रिंग्स में परफेक्शन मस्ट होता है. तो इसलिए हम लोग पेपर पेस्टिंग तो इससे करेंगे, पर उसको हार्डनेस और भी थोड़ा देने के लिए हम लोग ये वाला सिंथेटिक ग्लू यूज़ करेंगे. आई एम यूजिंग अ सिंथेटिक ग्लू. उसके ऊपर अगर हम लोगों ने लगा दिया ना, तो फिर वो ईयर रिंग को और भी सॉफ्ट और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा. ओके, जब ये वाला सिंथेटिक ग्लू जब सूख जाएगा, तब वो इयर रिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा. तो अभी चलिए बनाते हैं क्विलिंग इयर रिंग्स. सो गाइस, अब ये वाले टेबल में हम लोग आज बनाने वाले हैं. सो क्विलिंग स्ट्रिप्स लाते हैं. ये हम लोगों का क्विलिंग स्ट्रिप्स. हम लोगों का जो डिज़ाइन होने वाला है वो फ्लावर डिज़ाइन होने वाला है. वो 5 colors के होंगे. तो 5 colors कौन सा होगा, लेट्स चूज फ्रॉम दीज. वी कैन कीप पिंक कलर. आई टेक आउट वन. सो आई हैव टेकन आउट दिस पिंक कलर. साइड में रखते हैं. आई वांट येलो कलर. ब्राइटनेस देने के लिए दिस इज माई येलो कलर स्ट्रिप. आई नीड द रेड कलर. यस, सो आई टेक one red. This is my red strip. I want to take one orange. Orange bhi lete hai. Ye wale se bhi. Ye wala orange thoda light hai. Hum log is wale se orange lete hai. Ye wala orange bahut hi dark. Ye wala orange lete hai. Ab tak hum logon ne ye sab colors le liye hai. Okay? These 4 colors. Last color, green या फिर blue. Let's check it out. Light हो जाएगा. हम लोग एक काम करते हैं, अरे और दूसरा 5th color हम लोग brown रखते हैं. Dark और light colors मिल के एक चीज़ अच्छा होता है ना, इसलिए ये हम लोगों का brown. We have taken our colors. Let's keep aside these quilling strips. Let's take out our blue. ये हम लोगों के पास कलर्स आ गए हैं. ठीक है, आई शो यू विच कलर्स आई हैव टेकन. येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज एंड ब्राउन. सो हम लोग कुछ ऐसा शेप बनाएंगे लाइक दैट. तो फर्स्ट हम लोग येलो कलर से शुरू करते हैं. तो क्विलिंग स्ट्रिप का आप एक एज लीजिए. उस एज को अब
फोल्ड कर दीजिए थोड़ा, ओके थोड़ा। आफ्टर फोल्डिंग ये जो फोल्डेड एरिया है इसके ऊपर हम लोग ग्लू अप्लाई करेंगे। गाइस यहाँ पे हम लोगों का ग्लू अप्लाई हो गया है। अब हम लोग ये स्ट्रिप लेंगे, इसका हम लोग थोड़ा सा पार्ट क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये रहा इनर पोर्शन, मुझको इतना से चाहिए तो फिर करते हैं। अब इसको आप कुछ थिन टूथपिक आप यूज़ कर सकते हो, आप इसके साइज़ का पेंसिल यूज़ करके आप इसको और भी अच्छे से स्ट्रेंथ दे सकते हो ताकि ये होल्ड हो जाए। लेट्स होल्ड इट फॉर 5 seconds। 1, 2, 3, 4, 5 डन। तो ये हम लोगों का चिपक गया है, ये थोड़ा ऐसा शेप का है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे लाइक दिस। आपको बस इसको घुमाते रहना है, इसके सरफेस में घुमाते रहना है लाइक दैट। गाइज अब हम लोग पूरे एंड तक पहुंच गए हैं, तो लास्ट एंड में हम लोग यहाँ पे थोड़ा ग्लू अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई द ग्लू, अब इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे लाइक दैट, और इसको हम लोग 5 seconds होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5। सो ये हम लोगों का इसके आसपास हम लोगों ने घुमाया था, इसलिए हम लोगों को आप देख सकते हो ये थोड़ा मोटा बन गया है। अब मुझको ये वाला ओवल शेप नहीं चाहिए, मुझको लाइक दैट, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे ऐसे एंड ऐसे। ओके सो गाइस ये हम लोगों का एक पीस बन गया है लाइक दैट। ओके गाइस सिमिलरली हम लोग बाकी कलर्स के साथ भी सेम प्रोसीड्योर फॉलो करके बाकी कलर्स के साथ भी सेम फॉलो करेंगे। तो लेट्स डू इट। गाइज ये सब है हम लोगों का फर्स्ट सेट का पीसेस। ओके तो ये सेट कैसे होगा, असेंबल कैसे होगा, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो ये ऐसा होगा, तो ये फर्स्ट सेट है हम लोगों का। सेकंड सेट के लिए हम लोगों का कोलिंग पेपर्स ये रहा। ओके गाइस इन पीसेस को साइड में रखते हैं। सेम कलर से गाइस ये रहा हमारा ब्राउन, पिंक, रेड, येलो एंड ऑरेंज। चलिए इन लोगों को भी इन पीसेस की तरह बनाते हैं। So here we go guys, all the pieces are ready. Sorry guys, ye khul gaya, I didn't hold it for 5 seconds. Okay so look, shape mein lagne, here are the red pieces, here are the orange pieces, pink। आप इसको
शेप में ला लीजिए, ठीक है? ओके, और ये आ गया हम लोगों येलो पीसेस। तो ये सब हम लोगों का पीसेस रेडी है, अब इन लोगों को असेंबल करते हैं। सो द फर्स्ट इयररिंग का पीसेस लाते हैं, गुड। अब ग्लू लगाएंगे। अब कैसे ग्लू लगाएंगे? दिस हैज अ टेक्निक गाइस। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा ऐसे लगेगा, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑरेंज वाले में इसका जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में हम लोग लगाएंगे ग्लू और थोड़ा इस साइड में हम लोग लगाएंगे ग्लू लाइक दिस, ठीक है? और इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। फर्मली इस येल्लो को हम लोग 10 सेकेंड्स के लिए पकड़ के रखेंगे, ओके? रेड वाला हम लोग कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे, ओके? तो रेड वाला अब लगाते हैं हम लोग। सेम ग्लूइंग टेक्निक यूज होगा यहाँ पे। गुड। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली ग्लू लगा सकते हो, ओके? सो ये हम लोग ड्राइंग के लिए रख देते हैं और तब तक सेकंड सेट भी बना के फिर आप सब। ओके गाइस, हियर वी गो। ये आ गए हम लोगों का, तो ये हम लोगों का इयररिंग्स। अब ये हम लोगों का तो सूख गया है, पर इसको हम लोग और भी स्ट्रेंथ देंगे किससे? इस रेजिन सिंथेटिक। एक्चुअली ये रेसिन सिंथेटिक नहीं है, रेसिन सिंथेटिक का मैंने आप सिर्फ गलत बोला, ये सिर्फ सिंथेटिक है। रेसिन सिंथेटिक वुड वर्क के लिए यूज़ होता है, तो ये सिंथेटिक ग्लू है। तो मैं आप लोगों को एक डिफरेंस दिखाता हूँ इन दोनों का, कि क्यों मैं इन लोगों को हार्डनेस देने के लिए सिर्फ ये ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं। देयर इज द प्रूफ गाइस। ये हम लोग एक क्विलिंग का पेपर का एक टुकड़ा लेते हैं, ओके गाइस? हियर वी गो। अब एक साइड में हम लोग ये रेसिन सिंथेटिक ग्लू लगा रहे हैं, सॉरी फिर से मैं गलत बोल रहा हूँ, सिंथेटिक ग्लू। हियर वी गो गाइस, ट्रांसपेरेंट ग्लू है, ओके? एंड दूसरी तरफ हम लोग ये वाला जनरल पर्पस वाला फेविकॉल का ग्लू लगा रहे हैं, ओके? अब गाइस, लेट इट बी ड्राई एंड देन आई विल शो यू आफ्टर इट ड्राइज व्हाट इज द इफेक्ट। ओके गाइस, तो जब तक वो सूखने दिया है मैंने, तब तक हम लोग ये वाला बनाते हैं। इस वाले को हम लोग स्ट्रेंथ देते हैं, ये रहा हम लोग सिंथेटिक ग्लू। ये हम लोग ओवरऑल लगा देंगे, ओवरऑल लगा देंगे मिडिल में, तो और भी, क्योंकि मिडिल में सब पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर और मीटिंग ईच अदर। तो ये वाले पॉइंट में लोगों को ज़्यादा करके देना पड़ेगा, ओके गाइस? सो ओके, आप जितना चाहो दे सकते हो, बस ज़्यादा नहीं देना है, एक ही साइड में आप दीजिए, इट विल वर्क, ओके? अब ये आ गया हम लोगों को दूसरा, दूसरे में भी सेम वाला करते हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने ग्लू लगा दिया है, थोड़ा शाइनी शाइनी से हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, और ये भी शाइनी शाइनी से हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है, ओके गाइस? अब ये सब जब तक सूख रहा है तब तक एक बात बताता हूँ आपको। सो गाइस, अब हम लोग हुक लगाने का शुरू करते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का क्विलिंग इयररिंग्स। इसका ये वाले मैंने मेरा प्लान है कि रेड से हम लोग हुक लगाएंगे। आप कोई मिडिल से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो अब हुकिंग जो हुक जिस जिस जगह में लगेगा ना, वो जगह बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हुक इज़ द मेन पार्ट। तो इसके लिए हम लोगों को लगेगा हुक, हम लोग सिंथेटिक ग्लू यूज़ करने वाले हैं, फेविक्विक लगेगा एंड क्विलिंग स्ट्रिप्स। क्विलिंग स्ट्रिप्स बस लेते हैं हम लोग, कलर लेंगे ब्लू, एक क्विलिंग स्ट्रिप से हो जाएगा काम। सो दिस इज आवर क्विलिंग स्ट्रिप, इसके साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर लेंगे, ओके 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्लू लेंगे, लगाएंगे और अंदर का जो सर्कल है वो थोड़ा बड़ा रखेंगे, लाइक दिस। सिंथेटिक ग्लू लगाने से पेपर थोड़ा, अब देख सकते हो मैंने इतना रखा है। तब आप सर्कल करते रहो, हम लोग एंड तक पहुंच गए हैं। सिंथेटिक ग्लू लगा के करेंगे, तो ये हम लोगों का एक आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ईयर रिंग्स को साइड में रखते हैं, सिर्फ एक ही हम लोगों के पास रखते हैं, ओके। सो ये आ गया हम लोगों को सर्कल। नाउ वी नीड अ रिंग एंड अ हुक, कैसे, ऐसे। ओके सो हम लोग पास आ गए हैं, देयर आर टू हुक्स एंड टू रिंग्स। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे, ये थोड़ा टाइट होता है तो आप थोड़ा इसको प्रेशर लगा के ऐसे बेंड कर दो, ये ऐसे पकड़ो और इसके थ्रू पास कर दो, ओके। सो ये दोनों आ गए हम लोगों के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हुक लेंगे, हुक का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग एक एंड में ऐसे करके घुसा देंगे, डन। अब जो ये दोनों पार्ट है, ये दोनों जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम शेप में लाएंगे, ओके। तो ये कुछ उस तरह, ओके। सो हम लोगों का ये रेडी है फर्स्ट हुक, ओके फर्स्ट हुक रेडी है। अब हम लोग सेकेंड हुक भी बना रहे हैं, ओके। सो गाइस हम लोगों के पास अब ये दो हुक्स रेडी है, अब ईयर रिंग्स लाते हैं, ओके। अब हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों के मिडिल में हम लोग हुक लगाएंगे, ये वाला नीचे वाला पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ग्लू अप्लाई करेंगे लाइक दैट एंड वी विल जस्ट अप अप, ओके। वी आर जस्ट अप्लाइंग ग्लू, उसके बाद इसके मिडिल में हम लोग ऐसे करके इसको लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फेविक्विक हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स keep them to dry. Thank you.
जरूर ट्राई करना. इट इज अ वेल 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 एंड वेरी वेल एंड कूल DIY प्रोजेक्ट. तो प्लीज ट्राई करना प्लीज. ओके एंड देन वेयर इट एंड यू कैन गो आउटसाइड. यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, पेशेंट रहना और ये जल्दबाजी में तो करना ही मत. ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.